जब आप छोटे होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आइसक्रीम ना पसंद हो। एक बच्चा होने के नाते मैं आइसक्रीम के लिए पागल था। अच्छे से अच्छी हो या बुरे से बुरी, ऐसी कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं था जिसके लिए मैंने ना कहा हो। और ये बताने की तो ज़रूरत भी नहीं है कि मैं जानता था आइसक्रीम वाला किस टाइम पर आएगा। मैं ये भी जानता था कि आज वो कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लाएगा, और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं सबसे आगे रहूं ताकि मैं जो चाहे फ्लेवर ले सकूं। हर चीज बढ़िया से भी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन आइसक्रीम वाला हमेशा के लिए कहीं और चला गया। उस दिन के बाद से मैंने बहुत ही कम आइसक्रीम खाई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा व्यस्त रहते थे, इसलिए उनके साथ एक ऐसा समय निकालना जब वो मुझे आइसक्रीम की दुकान पर ले जा सके बहुत ही मुश्किल था। चाहे ये एक बचकानी बात हो या नहीं, लेकिन मैं उन दिनों बहुत उदास रहने लगा। काफी समय से सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि अचानक एक आवाज ने मुझे तरोताजा कर दिया। मैंने अपने पड़ोस में आइसक्रीम वाले के ट्रक की आवाज सुनी। मैंने जो पैसे जमा किए थे उन्हें लेकर मैं उस आइसक्रीम के ट्रक की तरफ भागा जो मेरे घर से कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर था। सभी बच्चे अपने अपने घर से पैसे लेकर इकट्ठे हो गए और आइसक्रीम लेने लगे। इतने दिनों से जो आइसक्रीम ना खाने की वजह से मैं उतावला था और इसलिए लाइन तोड़कर आगे जाने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो आइसक्रीम वाले की शक्ल देखकर मैं डर गया। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके सर पर बाल नहीं थे और देखने में वो बिल्कुल आकर्षित नहीं था। जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा डर लगा वो था उसका चेहरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे की त्वचा को जोर से पीछे खींचा गया हो, क्योंकि वो लटक रही थी। उसका सर बिल्कुल चपटा था और उसकी स्किन का रंग अजीब सा हरा, जैसे उसे किसी तरह की बीमारी हो। लेकिन इन सब में जो बात मुझे सबसे ज्यादा खा रही थी वो थी उसकी मुस्कान। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी, दयालु और कोमल थी, लेकिन उस चेहरे के साथ मिलकर वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो आदमी जब किसी भी बच्चे को आइसक्रीम दे रहा था तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई बच्चा इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस मुस्कान के पीछे वो कोई गहरा राज छुपा रखा हो। अरे बच्चो, क्या तुम अब तक नहीं सोच पाए कि तुम्हें क्या चाहिए? ओ हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं पुदीने की आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा। पुदीने की आइसक्रीम? हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और खा लूंगा। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास पुदीने की आइसक्रीम है, बल्कि वो तो मेरी मन पसंदीदा है। मैं तो बस हैरान था कि कोई बच्चा भी ये मांग सकता है। मेरे पीछे मेरा एक दोस्त खड़ा था जो बहुत ही उतावला हो रहा था। उसका नाम मार्टिन था, मेरे बचपन का पड़ोसी और मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाला भी। उसकी छोटी बहन अपनी आंटी के साथ शहर घूमने गई थी जब वो लापता हो गई, इसलिए मार्टिन अभी भी परेशान था। सर, क्या बात करना बंद करेंगे? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। उस आइसक्रीम वाले ने मार्टिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे कुछ सेकंड्स तक घूरता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर मुस्कान थी। इस बात का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि उस समय उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था, और मैं जानना भी नहीं चाहता था। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद और शायद उस बेचारे को जिंदगी भर का डर देने के बाद उस आदमी ने जवाब दिया। ओह, मुझे माफ करना नौजवान, मैं बिल्कुल तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी तक तुम्हें यह नहीं बताया कि मुझे कौन सी आइसक्रीम खानी है। लेकिन तुम्हें यही वाली चाहिए थी, है ना? हाँ, मुझे माफ कीजिएगा सर। मार्टिन ने अपनी आइसक्रीम ली और चला गया। जाते जाते उसने मुझे आंखों से इशारा करते हुए उस आदमी से बातें जारी करने को कहा। जब उस आदमी ने मुझे भी मेरी आइसक्रीम दे दी, मैंने मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कहा। मैं अपने दोस्तों के पास चला गया। सड़क के किनारे एलन और जिमी भी खड़े हुए थे। कितना अजीब आदमी है ना? मेरा तो अभी तक रोंगटे खड़े हैं। यह आदमी बहुत ही डरावना है। क्या तुमने देखा वो तुम्हें कैसे देख रहा था? मुझे लगता है कि उसे तुम पसंद हो। तुम तो चुप ही रहो, मैंने देखा तुम्हें वहां। क्या तुम्हें जलन हो रही थी? तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितनी जलन हो रही थी। हे, उसने मुझे आइसक्रीम दी है, ट्राई करो। वही जो तुमने मांगी भी नहीं थी, दिखाओ तो। ये कितनी बेकार है, आखिर यह है क्या? पता नहीं, इसके कागज पर कुछ भी नहीं लिखा था। मुझे लगता है ये इसने खुद बनाई है। ओ गॉड, इसका मतलब उसे तुम वाकई नहीं पसंद हो। तुम्हें पता भी नहीं इतना। हे, हम बात कर रहे थे कि क्यों ना जब वो अपने ट्रक में ना हो हम उसके अंदर चलें। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आदमी बहुत ही अजीब है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रहा? लेकिन क्या ऐसा करना खतरनाक नहीं होगा? नहीं, हम रात के समय जाएंगे। मैं जानता हूं इसे, यह आदमी मेरे घर के पास ही रहता है। इसे वैन को खुला छोड़ने की आदत है।
ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो मेरे दोस्त कह रहे थे वो सच था। हम जिस जगह रहते हैं वो बहुत ही सुरक्षित है। सभी लोग अपना सामान खुले में रखते हैं और उन्हें उसके चोरी होने का कोई डर नहीं है। मैंने और मेरे दोस्त ने तय कर लिया कि हम आज रात ही इस प्लान को अंजाम देंगे। जैसा कि एलन ने कहा था, उस आदमी की वैन खुली हुई थी और यहां तक कि उस पर कोई अलार्म भी नहीं लगा हुआ था। हमने आसपास देखना शुरू किया और हमें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। वहां कोई आइसक्रीम नहीं पड़ी हुई थी, शायद उसने उन्हें फ्रीजर में रख लिया होगा। वो वैन काफी बड़ी थी, इसलिए ये बताना बहुत ही आसान था कि वो आदमी बहुत अमीर था। हे, यहां आओ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला है। जब हम वहां गए तो हमने देखा कि जमीन पर कुछ लाल रंग का लिक्विड गिरा हुआ है। हम सब डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या वो खून था? अचानक हमारे पीछे बना दरवाजा जोर से खुला और एक मुस्कान के साथ आइसक्रीम वाला हमें घूरने लगा। हम सब की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो वापस घूमा और उसने वैन का दरवाजा बंद कर दिया। उस समय उसकी पीठ हमारी तरफ थी और इस बात का कोई डर नहीं था कि हम उस पर हमला कर लेंगे। वो जानता था कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो जानता था कि हम बहुत डरे हुए थे। हमारी हालत उन चार खरगोश जैसी थी जो एक सांप के साथ बंद थे। अच्छी रात है ना बच्चों? अभी भी चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए वो जमीन पर पड़े उस लिक्विड की तरफ आया और उसने अपनी उंगली से उसे छुआ और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। रसबरी जैम है ना, कितनी स्वादिष्ट। क्या ये खून नहीं है? तुम आजकल के बच्चे क्या क्या सोचने लगते हो, ये खून नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं, उस वक्त उस आदमी की आंखें बहुत ही बड़ी हो गई थी और लाल, डरावनी और गुस्से से भरी। मैं कभी अपने काम की जगह को इस तरह गंदा नहीं करूंगा। हम सभी को डर के मारे जैसे लकवा मार गया हूं। हर बीतते सेकंड के साथ उस आदमी ने हमें और भी बेहतर महसूस करवाया। उसकी मुस्कान और भी बड़ी और डरावनी होती गई। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने ज्यादा समय तक उस आदमी को देखा तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुस्कान में ऐसी कोई बात थी जो हमें उसे देखने पर मजबूर कर रही थी। उस आदमी का हुलिया बहुत अजीब था। हम जानते थे कि वो एक आम इंसान था, लेकिन वो हमें देखने में किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। क्या हुआ बच्चों, क्या तुम्हें कोई सांप सूंघ गया है? मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आइडिया है। अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने का इतना मन कर रहा था कि तुम उसे लेने यहां तक आ गए, तो क्यों ना तुम मेरी एक नई रेसिपी ट्राई करो। जब मैंने तुम्हें कैमरे पर देखा, मैं तभी समझ गया था कि तुम कोई नया फ्लेवर ट्राई करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम चारों के लिए ले आया हूं। सर, क्या हम जा सकते हैं? हम वादा करते हैं कि हम कभी दोबारा यहां नहीं आएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम बिल्कुल जा सकते हो और यहां तक कि तुम लोग जब चाहो वापस भी आ सकते हो। खैर, मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम अपनी अपनी आइसक्रीम खत्म ना कर दो। हम सबने उस आइसक्रीम को खोला। वो अभी तक ठंडी थी और बिल्कुल भी पिघली नहीं थी। उसका स्वाद बहुत ही गंदा था, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो किस चीज की थी। तुम सब इसकी रेसिपी के बारे में सोच रहे होगे, है ना? ये मेरी स्किन से बनी हुई है, मेरे अपने खून से और मेरे हाथ के नाखूनों की मैल से। और तो और, इसमें मेरे नाखून भी है। उसकी बात सुनकर हमने अपने मुंह से आइसक्रीम थूक दी। अपनी डरावनी मुस्कान के साथ वो आदमी मार्टिन के पास गया और उसके कान में कुछ कहने लगा, जिसकी आवाज हम सबको सुनाई दे रही थी। प्यारे मार्टिन, ये दूसरी बार है कि तुम्हें मेरी आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं इस बात से बहुत निराश हूं। तुम जानते हो, ये आइसक्रीम खासकर तुम्हारे लिए थी। ये तुम्हारी बहन से बनी हुई थी। मार्टिन के चेहरे के भाव बदल गए। वो उस आदमी की बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे परिवार का भी यही हाल होगा, और हम ऐसा नहीं चाहते, है ना? है ना मार्टिन? हाँ। बहुत बढ़िया, तुम सब जा सकते हो, तुम्हारी रात अच्छी हो। हम सब डरते हुए अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। हमने एक दूसरे से रास्ते में कोई बात नहीं की और इस बारे में दोबारा कभी किसी को जिक्र नहीं किया। कुछ समय के बाद मार्टिन की बहन जिंदा वापस आ गई और उसकी आंटी की नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से मौत हो गई। उस आदमी ने झूठ बोला, और हो सकता है कि उसने जो आइसक्रीम हमें खिलाई थी उसके बारे में भी उसने हमें झूठ ही बोला था, लेकिन जो मंजर हमने उस ट्रक में देख लिया था, उसके बाद हम लोगों में से कोई भी उसे दोबारा चेक करना नहीं चाहता था। आज भी हम सब दोस्त हैं और हमें आज भी याद है उस पागल आदमी के बारे में जो कुछ हफ्तों बाद सभी बच्चों को गुड बाय बोलकर हमारे पड़ोस से चला गया। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने दोबारा कभी आइसक्रीम नहीं खाई।
जब भी मैं आइसक्रीम देखता हूँ ना सिर्फ मुझे उस आदमी के द्वारा दी गई आइसक्रीम का स्वाद याद आ जाता है बल्कि मुझे उस दिन महसूस हुए डर का एहसास भी दोबारा होने लगता है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि वो आदमी आज भी समाज में खुला घूम रहा है और शायद वो अब भी बच्चों से मिलता है और अपनी डरावनी मुस्कान के साथ उन्हें आइसक्रीम देता है। शनिवार की दोपहर थी, मैक पार्क के पास आइसक्रीम बेच रहा था जब एक महंगी गाड़ी में ट्रक के पास आकर रुकी। नीले रंग के सूट पहने एक आदमी गाड़ी से बाहर निकला और मेरे पास आया। मेरा ध्यान उसके हाथ पर गया, उसने बहुत ही महंगी रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी। उसने छोटी सी मुस्कान देते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम बुकिंग्स लेते हो? मैं बुकिंग्स नहीं लेता इसलिए मैंने मना कर दिया। वो आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा और फिर उसने अपना चमड़े का वॉलेट से कार्ड निकाला और मुझे दिया। उसका वॉलेट भी काफी महंगा लग रहा था। मेरा बेटा म्यूरियल कल 6 साल का हो रहा है, वो अपने जन्मदिन की पार्टी में आइसक्रीम ट्रक चाहता है, मैं तुम्हें $500 दूंगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी इसलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। वो वापस जाने के लिए मुड़ गया लेकिन फिर अचानक रुका और उसने कहा, पार्टी शाम 6 बजे शुरू होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें देर रात तक काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। मैंने उसका बिजनेस कार्ड देखा और मुझे पता चला कि वो एक आदमी डॉक्टर है। उसका नाम था डॉक्टर जोसेफ हाइटर। अगले दिन मैंने अपने ट्रक में जितने हो सके थे उतने आइसक्रीम के फ्लेवर भर लिए। मैंने एक साफ शर्ट और साफ एप्रन पहन लिया। करीब 6:30 बजे मैं उस आदमी के दिए हुए पते पर पहुंचा। वो एक बहुत ही बड़ा और आलीशान महल था जिसके कोने कोने से अमीरी की झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही मेरा ट्रक बंगले के बाहर आकर रुका, लोहे का गेट खुद ब खुद खुल गया। मैं बाहर बने लॉन तक पहुंचा और मुझे बंगले के पीछे से जन्मदिन पर बजने वाले गाने की तेज आवाज आने लगी। मैं ट्रक लेकर पीछे की तरफ गया और एक कोने में अपना ट्रक खड़ा करके रुक गया। वो जगह गुब्बारों, लाइटों और रंग बिरंगी चेन से सजी हुई थी और वहां वो हर चीज थी जो आप एक महंगी पार्टी में होने की उम्मीद करते हो। मैदान के बीचों बीच हवा से भरा एक बहुत ही बड़ा महल था और एक छोटा बच्चा उस पर बहुत ही खुशी से कूद रहा था। बस इतना ही, जी हाँ बस इतना ही, वहां और कोई भी बच्चा नहीं था जो हम अक्सर एक जन्म दिवस की पार्टी में देखते हैं। उस बच्चे ने अचानक आइसक्रीम का ट्रक देखा और चिल्लाने लगा, आइसक्रीम, यस डैड, आइसक्रीम वाला आ गया। वहां कोई भी मेहमान ना देखकर मैं इतना हैरान हो गया था कि मेरी नजर डॉक्टर हाइटर की तरफ गई ही नहीं। वो अपने घर के आंगन में एक झूलती हुई कुर्सी पर बैठे आराम कर रहे थे और मुझे देख रहे थे। जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, वो मुस्कुराए और मेरी तरफ आए। वो बच्चा मेरे ट्रक की तरफ भागता हुआ आया और सच मायने में मैंने अपनी जिंदगी में इतना डरावना बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। उसके ब्रेसेस देखकर मुझे फाइंडिंग नीमो की डार्ला की याद आ गई। उस बच्चे ने जोर से काउंटर पर अपना हाथ मारा और चिल्लाते हुए कहा, मुझे आइसक्रीम के सारे फ्लेवर एक बड़े से बाउल में चाहिए, मुझे इस ट्रक की सबसे बड़ी आइसक्रीम चाहिए, चाहिए, चाहिए। शांत हो जाओ म्यूरियल, तुम्हें जितनी आइसक्रीम चाहिए मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता था कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, लेकिन किसी चीज के पीछे ज्यादा उत्सुकता दिखाना कभी कभी जानलेवा हो सकता है, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने एक बड़ा सा बोल लिया और मैं जितनी भी आइसक्रीम लाया था उसका हर फ्लेवर डाल दिया। म्यूरियल मुझे अजीब सी शक्ल बनाते हुए देखता रहा, वो लगातार कुड़े जा रहा था। उसे देखकर मैंने इतना अंदाजा तो लगा लिया था कि वो बहुत ही बिगड़ा हुआ और बदतमीज है। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम म्यूरियल। मैंने उसे आइसक्रीम का बोल पकड़ाया और उसने वो मेरे हाथ से छीन लिया। अपने झूले पर जाने से पहले उसने मुझे गुस्से भरे चेहरे से देखा और कहा, क्या तुम बर्थडे बॉय को विश नहीं करोगे? विश करो, विश करो, विश करो मुझे। ओह हाँ जरूर, मुझे माफ करना, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। वो तो हमेशा ही होती है। जैसे वो आया था उसी तरह वो उस झूले की तरफ वापस चला गया। डॉक्टर हाइटर को मेरे चेहरे पर हैरानगी दिख गई। म्यूरियल मेरा इकलौता बेटा है और वो एक खास बच्चा है, उसे किसी के साथ चीजें बांटने में दिक्कत होती है इसलिए उसे अपना जन्मदिन अकेले बिताना अच्छा लगता है, इसी तरह बेहतर है। मैं समझ सकता हूँ, जैसे भी बच्चों को अच्छा लगता हो। जान प्लीज बाहर आओ। मिस्टर हाइटर ने आवाज लगाई और शादी की सफेद ड्रेस पहने एक महिला को मैंने घर से बाहर आते हुए देखा। मेरा ध्यान उसकी ड्रेस से हटकर फौरन उसकी शक्ल की तरफ गया और मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसका चेहरा बहुत ही मोटा था, किसी मेंढक की तरह। उसके चेहरे पर जैसे मुस्कान हमेशा के लिए चिपकाई हुई थी। उसकी आंखें ऐसी खुली थी जैसे वो कभी भी नीचे गिर सकती है। वो डॉक्टर हाइटर के साथ आकर ऐसी खड़ी हो गई जैसे उसकी डोर उनके हाथों में हो। मेरी बीवी शैलिन से मिलो। उस औरत ने अपना सर ऊपर से नीचे हिलाया लेकिन उसकी मुस्कान वैसी की वैसी ही रही। हेलो मैम, आपको आपकी शादी की सालगिरह मुबारक, डॉक्टर हाइटर ने हंसते हुए कहा। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं।
इसने ड्रेस खास म्यूरियल के जन्मदिन के लिए पहनी है। म्यूरियल को अपनी मॉम की शादी के जोड़े में देखना बहुत पसंद है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। ऐसा कहते हुए उसने अपनी बीवी को गाल पर चूमा और जैसे उस आदमी के होठों ने उस औरत के गालों को छुआ, मैंने देखा कि वो बहुत परेशान महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी के चूमने से उसे दर्द हो रहा हो। उस औरत का चेहरा आम नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने मुंह में बहुत सारी रुई भरी हुई हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर किसी भी चोट का कोई निशान नहीं था। इसलिए मैं ये नहीं बता सकता था कि उसे किस चीज से तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मदद की जरूरत थी। मैं उनमें आंसू देख सकता था। मैम, क्या आप आइसक्रीम खाना चाहेंगी? मैंने उस औरत से पूछा। नहीं, ये खास डाइट पर है। केक काटने के समय हो गया है म्यूरियल, अब मैं केक लेकर आ रहा हूँ। वो बच्चा उत्साह में पागलों की तरह उछलने लगा। उसने अपने मुंह में ढेर सारी आइसक्रीम भरी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर हाइटर अंदर गए, उस औरत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बात करने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पा रही थी। उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की और उसके गले में कुछ अटकने लगा। उसके मुंह में कुछ तो फंसा हुआ था। मैं नहीं जानता था कि वो क्या था। उसकी आंखें ऐसी घूम गई जैसे वो किसी भी वक्त उल्टी कर देगी। ओह माय गॉड, ये तुम्हें क्या हो रहा है? उसने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसके मुंह से कुछ तो बाहर निकलने वाला था। उसके बाद जो हुआ वो मेरे जहन में हमेशा हमेशा के लिए छप चुका है। उसने उल्टी आने जैसी आवाज निकाली और उसके मुंह से जीभ की एक लड़ी निकली जिसे उसकी अपनी जीभ से सिला गया था। मैं अपनी जिंदगी में इतना भयानक कभी कुछ नहीं देख पाया था। उसके मुंह में 5 से 6 लोगों की जीभ को सिला हुआ था। उसने अपनी लड़खड़ाती और ना समझ आने वाली जुबान में कहा, मेरी मदद करो। मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठा और मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया। डैड, वो आइसक्रीम वाला भाग रहा है। मैंने उस शैतान बच्चे को चिल्लाते हुए सुना। मैं और ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकता था। मैं उस बेचारी औरत की मदद करना चाहता था, लेकिन उस पागल डॉक्टर और उसके बेटे से खुद को बचाने के लिए ना तो मेरे पास वक्त था और ना ही कोई हथियार। मैं पागलों की तरह ट्रक चलाने लगा। इससे पहले कि डॉक्टर हाइटर कोई कदम उठा पाता, घर की सुरक्षा के लिए लगे लोहे का गेट ने मेरे ट्रक को आते हुए समझ लिया और शुक्र है भगवान का कि वो खुल गया। मैंने उस बच्चे की हंसी और तालियों की आवाज सुनी। ये फिर से जीप वाली ट्रिक कर रही है, ये फिर से जीप वाली ट्रिक कर रही है डैड। जैसे ही मैंने उस गेट को पास किया, मुझे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने ट्रक के शीशे से जब पीछे देखा तो डॉक्टर हाइटर हाथ में बंदूक लिए मेरे ट्रक का पीछा कर रहे थे। उन्होंने गोली चलाई जिसकी वजह से मेरी ट्रक का शीशा टूट गया, लेकिन शुक्र है मैं बच गया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाई। मेरे पीछे से वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कैसे उस रात घर पहुंचा। मैंने पुलिस को बुलाया और उन्हें डॉक्टर हाइटर के घर का पता दिया। इस हादसे के बाद की कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। पुलिस उस पते पर गई, डॉक्टर हाइटर और उसके परिवार से मिली और उन्होंने मुझे वापस पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाने की शिकायत दर्ज कर सके। क्या आप यकीन करेंगे? पुलिस ने कहा कि वो इज्जतदार डॉक्टर अपने बेटे और बीवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। यहां तक कि उन्होंने मुझे उस आदमी की बीवी की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन ये वो औरत नहीं थी जिसे मैंने उस रात जन्मदिन की पार्टी में देखा था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने उस आदमी के घर की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। डॉक्टर हाइटर साफ साफ बच गए। आज तक मुझे कोई खबर नहीं मिली, ना ही उस औरत के गायब होने की खबर दिखी जिसकी जीभ से कई लोगों की जीभ को सिला गया था। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। डॉक्टर हाइटर एक पागल डॉक्टर हैं और शायद वो लोगों पर खतरनाक प्रयोग भी कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जिनकी जीभ उस आदमी ने उस औरत की जीभ से सिल दी थी। ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि आइसक्रीम वाला होना मेरे लिए अब तक की सबसे बढ़िया काम रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें आप बहुत पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे ज्यादा से ज्यादा इतना करना होता है कि सबको आइसक्रीम देनी होती है और बदले में वो मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं। आमतौर पर यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब आपको पता चले कि कोई गलत इंसान आपको पसंद करने लगा है तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। ये सब एक आम दिन पर शुरू हुआ, एक ऐसा दिन जब मैं ये सोचकर उठा कि आज कुछ अजीब नहीं होगा। मुझे थोड़ी आइसक्रीम लेनी थी, अपने आस पड़ोस में जाना था और आइसक्रीम बेचनी थी। सब कुछ इसी तरह चल रहा था जब तक मैं एक अतरंगी कस्टमर से नहीं मिला। भूरे रंग के बालों वाला लंबा और बहुत ही मोटा आदमी आइसक्रीम के ट्रक की तरफ आ रहा था। हाय, मुझे 10 नींबू के फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए। नहीं, आप मुझे 15 दे दीजिए। हेलो सर, रुकिए मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास बची भी है नहीं।
जब मैं ढूंढते हुए एक एक कर उन आइसक्रीम को उठा रहा था, मुझे लगा कि वो आदमी मेरी तरफ ही देख रहा है। ये बहुत ही अजीब था। मैं उसे पीट करके खड़ा था, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था कि उसकी आंखें मेरी तरफ ही थी। हर बार जब मैं हाथ में एक आइसक्रीम उठाता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था? मुझे इस तरह महसूस क्यों हो रहा था? आज आपका लकी डे है सर। अक्सर मैं इस फ्लेवर की कम ही आइसक्रीम लाता हूँ, लेकिन आज शायद डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बहुत सारी दे दी है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उस आदमी ने मेरे हाथ से सारी आइसक्रीम ले ली और मुझे पैसे दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरे परिवार को और मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ओह, तो ये तुम्हारे परिवार के लिए? अब मैं समझा। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सारी आइसक्रीम खा पाओगे। हाँ, दरअसल मेरा परिवार बहुत ही दुखी है, लेकिन आइसक्रीम खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। आपकी ये सोच बहुत ही अच्छी है सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उन्हें बहुत पसंद आएगी। जब मैं वापस घर जा रहा था, तो उस आदमी के बारे में गलत सोच रखने की वजह से मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ये सच है कि वो दिखने में अजीब था और उसका बात करने का ढंग उससे भी ज्यादा अजीब था, लेकिन आखिरकार वो एक बहुत ही अच्छा इंसान निकला। मुझे उस आदमी के आसपास होने की वजह से जो गलत एहसास हो रहा था, उससे भी बुरा लगा, क्योंकि वो तो आइसक्रीम लेकर बहुत ही खुशी खुशी अपने घर चला गया था। उस दिन के बाद से मुझे वो आदमी अक्सर वहां दिखने लगा। हर हफ्ते वो मेरा उसी जगह पर इंतजार करता रहता और हमेशा एक ही तरह की कुछ 15-20 आइसक्रीम ऑर्डर करके घर ले जाता। मैं कभी भी ये नहीं समझ पाता कि आज उसे क्या चाहिए होगा। कभी वो चॉकलेट मांगता, तो कभी जमी हुई चॉकलेट आइसक्रीम, और कभी स्ट्रॉबेरी, तो कभी लेमन आइसक्रीम। वो एक चीज जो उसमें कभी नहीं बदलती थी, वो थी उसकी मुस्कान। वो अजीब सी मुस्कान जिससे मैं पहली बार में तो डर गया था, लेकिन अब मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। और दूसरी तरफ बाकी सब कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था, क्योंकि आदमी मुझसे एक ही तरह की बहुत सारी आइसक्रीम ले जाता था, इसलिए मेरे पास बाकी लोगों को देने के लिए आइसक्रीम नहीं बचती थी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही उदास हो जाते थे। आप समझ सकते होंगे, अगर आप बचपन में एक हफ्ते तक आइसक्रीम वाले के आने का इंतजार करें और आपको अपनी मनपसंद आइसक्रीम ना मिले क्योंकि कोई आदमी कुछ मिनट पहले ही वैसी 20 आइसक्रीम ले जा चुका हो, तो कैसा लगता होगा? मैं समझ चुका था कि ऐसा करने से मेरे बाकी कस्टमर्स का रिश्ता मुझसे खराब हो सकता है, और मुझे इस बात से बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया कि अगली बार जब वो आदमी मुझसे आइसक्रीम मांगेगा, तो मैं उसे झूठ बोल दूंगा। मुझे 18 चॉकलेट फिल्ड आइसक्रीम चाहिए। माफ कीजिए, इस बार पीछे से बहुत ही कम सामान आया है। मैं आज आपको एक तरह की सिर्फ 3 आइसक्रीम दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो ये चॉकलेट वाली ले सकते हैं, या फिर ये। नहीं, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। एक सेकंड के अंदर ही उसके चेहरे की मुस्कान हट गई। उसके चिल्लाने पर मुझे एहसास हुआ कि वो काफी नाराज था, लेकिन दिखने में वो मुझे कंफ्यूज ज्यादा लग रहा था, जैसे मेरे जवाब ने उसे झंझोड़ कर रख दिया हो। सर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास उतनी आइसक्रीम नहीं है, और आपको बाकी आइसक्रीम को भी एक मौका देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके परिवार को अलग फ्लेवर खाकर अच्छा लगेगा। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरा परिवार वाला पागल हो जाएंगे। उन्हें चॉकलेट फिल्ड आइसक्रीम ही चाहिए, वरना वो सब नाराज हो जाएंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इस बात पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं वैन का दरवाजा बंद करके वहां से चलने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करता, वो आदमी फौरन दरवाजे की तरफ भागा और वैन के अंदर आ गया। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ट्रक से बाहर निकलो अभी। सर, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे वो आइसक्रीम चाहिए। मुझे वो अभी की अभी चाहिए। मेरा पूरा परिवार मुझसे नफरत करने लगेगा। वो अभी भी मुझसे बात नहीं करते और मैं उन्हें मनाने के बहुत करीब हूँ। ये आदमी पूरी तरह पागल था, वो अपने आपा खो चुका था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक बच्चा और उसके साथ साथ एक बंदर भी समा गया हो। उस वक्त मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था, क्योंकि ऐसा करने से मैं अपनी जान भी गंवा सकता था। सर, मैं भी जानता हूं कि आपकी दिक्कत क्या है, लेकिन मैं पुलिस को फोन करने से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हूं। मेरे ट्रक से बाहर निकलिए। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास आइसक्रीम है। आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? गुस्से में वो अपना एक हाथ से मेरा गला दबाने लगा। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। अपने दूसरे हाथ से वो आदमी फ्रिज तक पहुंचा और उसने उसमें हाथ डाला। झूठे कहीं के, ये रही वो आइसक्रीम। तुम ये सारी अकेले अकेले खाना चाहते थे ना? तुम मेरे परिवार वालों की आइसक्रीम खुद खा जाना चाहते थे ना? उस आदमी ने मेरे गले से अपना हाथ हटाया और मैं थोड़ी देर के लिए सांस ले पाया, लेकिन ये दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था और उसने मुझे रोक कर रखा था। मैं अभी भी उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, कि अचानक मैं बहुत चक्कर है क्या। उस आदमी ने मेरे गले से हाथ इसलिए नहीं हटाया था कि मैं सांस ले सकूं,
बल्कि इसलिए हटाया ताकि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके। अपने एक हाथ से उसने आइसक्रीम की डंडी पकड़ी हुई थी और दूसरे से वो आइसक्रीम निकाल रहा था। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? हटो मेरे ऊपर से! बिना किसी बात का जवाब दिए वो आदमी मेरे मुंह में जबरदस्ती आइसक्रीम डालने लगा, और जब मैं उन आइसक्रीम को निकल नहीं रहा था तो उसने अपना पूरा हाथ मेरे मुंह के अंदर डाल दिया और उन्हें मेरे गले तक ले गया। आइसक्रीम के बीच में अपनी जीभ पर उस आदमी के हाथ भी महसूस कर पा रहा था। बिना एक भी सेकंड का इंतजार करते हुए वो आदमी लगातार मेरे मुंह में आइसक्रीम भरता गया। मैं आप सबको बयां नहीं कर सकता कि मैं उस समय कैसा महसूस कर रहा था। मेरा गला घुट रहा था और उसी के साथ साथ मैं उल्टी जैसा भी महसूस कर रहा था, लेकिन इतनी सारी आइसक्रीम मुंह में होने की वजह से मैं उल्टी भी नहीं कर पा रहा था। ये मंजर और भी ज़्यादा भयानक बन गया, क्योंकि जब आप एक साथ इतनी आइसक्रीम खाते हैं तो आपका सर घूम जाता है। तो सोचिए मेरे साथ क्या हो रहा होगा, क्योंकि मेरे गले से एक सेकंड के अंदर एक स्कूप नीचे उतर रहा था। वो आदमी पागल था, बिल्कुल अंधा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है। वो बिना मेरी तरफ देखे बस लगातार मेरे मुंह में आइसक्रीम भरे जा रहा था। उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था, और तो और वो गुस्से में भी नहीं लग रहा था। जिस समय मुझे लगा कि अब बस मुझसे और नहीं सहा जाएगा, तो पीछे के दरवाजे से किसी ने मेरी आवाज सुन ली। कुछ बच्चों ने अंदर झांक कर देख लिया कि क्या हो रहा है और अपने पेरेंट्स को बुला लिया, जिन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने फौरन उस आदमी को मुझसे दूर किया और दूसरे इंसान ने मुझसे मेरा हाल पूछा और मैं बेहोश हो गया। अगली बात जो मुझे याद है वो ये थी कि मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने एक नर्स और डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जान बचना एक चमत्कार था। मेरी उल्टी मेरे गले में अटक गई थी और अगर एम्बुलेंस और डॉक्टर टाइम पर नहीं आते तो मैं हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाता। उसके बाद फौरन एक पुलिस वाला मुझसे उस दिन के हादसे की जानकारी लेने आ गया। जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया वो कोई पारिवारिक इंसान नहीं था जैसे कि मैंने सोचा था, बल्कि वो एक कातिल था। उसका पूरा परिवार उसके घर में मरी हुई हालत में मिला। उसे लगा कि वो सब सिर्फ उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और अगर वो उनके लिए आइसक्रीम ले गया तो वो उससे बात करने लगेंगे। उस दिन के बाद से मैंने कभी आइसक्रीम बेचने का काम नहीं किया। मैंने अपना ट्रक अपने एक बेटे को दे दिया जिसे काम की जरूरत थी, और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी उसकी है। हर बार जब वो घर से निकलता है तो मुझे डर लगा रहता है कि पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं। मैं जानता हूं कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस जमाने में आइसक्रीम वाला होना भी सुरक्षित नहीं है।